अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फहद फ्रॉम सेवर स्टार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सेवर स्टार का जो हाइब्रिड गीज़र था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और इस हवाले से कंज्यूमर एंड पे बहुत सारे सवाल थे कि ये हाइब्रिड मोड पर कैसे काम करता है और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में लोगों के सवाल थे कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा। उसके लिए छोटी सी एक वीडियो बनाई है कि हम ताकि इसके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया जा सके। तो अभी आप देख रहे हैं कि गीज़र की एक लाइट ब्लिंकिंग हो रही है, रेड कलर की लाइट ब्लिंकिंग हो रही है ये वाली, और इसका मतलब है कि देर इज़ नो गैस, गैस लाइन में मौजूद नहीं है। और जैसी गैस हमारी लाइन के अंदर आएगी तो गीज़र ऑटोमेटिकली हमारा गैस पर ऑन हो जाएगा। अब देखें, हम गैस को डालने लगे हैं, गीज़र को ऑन करने लगे हैं गैस को। जैसे हम गैस इन किया है तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारी गैस की लाइट ऑन हो चुकी है और हमारा गीज़र जो है ना वो फ्लेम इसका ऑन हो चुका है, गीज़र हमारा गैस पर ऑन हो चुका है। और जैसी गैस बंद होगी तो गीज़र हमारा यहाँ पे ब्लिंकिंग करेगा। इसने स्टार्ट, वो गैस हमने बंद किया तो इसने स्टार्ट कर दिया ब्लिंकिंग कि यहाँ पे हमारे पास गैस मौजूद नहीं है। इसका पहला फंक्शन ये है। और इसका सेकंड फंक्शन है ऑटो मोड, जो कि हाइब्रिड मोड है। उसके लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ से मोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम गैस मोड से इसको ऑटो मोड पर लेके आएंगे। ये हमारा गीज़र ऑटोमेटिक ऑटो मोड पर आ गया है और ये हमारे पास गैस बंद थी तो गीज़र हमारा इलेक्ट्रिक पर ऑन हो चुका है। और गैस की लोड शेडिंग सूरत में जैसी ही गैस हमारे पास आएगी तो गीज़र हमारा ऑटोमेटिकली गैस पर ऑन हो जाएगा। अभी देखें, ये इलेक्ट्रिक की लाइट जा रही है, अभी जैसे ही हम गैस को ऑन करेंगे तो गीज़र हमारा इलेक्ट्रिक से गैस पर शिफ्ट होगा। अभी ये ऑन किया हमने, ऑन करें गैस, देखें हमने वॉल को ऑन किया है और गीज़र हमारा ये इलेक्ट्रिक से गैस पर ऑन हो गया। ये है इसका हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड पर यह इस तरह काम करता है कि आपको झंझट नहीं है गीज़र को जाके बार बार पायलट को ऑन करने की। आपने जस्ट वहाँ से हाइब्रिड को सिलेक्ट किया है, जब गैस होगी गीज़र गैस पर चलेगा और गैस के बंद होने की सूरत में गैस बंद की है गीज़र वापस इलेक्ट्रिक पे आ गया। ये हाइब्रिड मोड है। और थर्ड मोड है इसका इलेक्ट्रिक मोड। उसमें आप सिंपल अपने गीज़र को यहाँ से मोड पे लेके जाएं और इलेक्ट्रिक पे लेके आएं तो गीज़र हमारा इलेक्ट्रिक पे चलेगा। अब गैस का आने जाने से ताल्लुक नहीं है, गीज़र हमारा इलेक्ट्रिक पे रहेगा। तीन इसके मोड हो चुके हैं और ये इसका टेम्परेचर है। यहाँ से अपने आप मर्ज़ी से टेम्परेचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। देखें, ये अभी इसका सेट टेम्परेचर है 62 डिग्री सेंटीग्रेड और करंट बता रहा है 52। इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखें, इसको हम राइज़ कर सकते हैं या पोर टेम्परेचर 67, 68, ये 70 तक अपने लेके जा सकते हैं। और यहाँ से हम टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। ये इसके टेम्परेचर्स के बटन हैं और इसके मोड हैं। अब इसको वापस हम लेके जाते हैं ऑटो मोड के ऊपर, हाइब्रिड मोड पर। ये ऑटो देखें, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कैमरे में क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ पे मोड लिखा है, ये यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है। अब ऑटो मोड में हमारा गीज़र इलेक्ट्रिक पे चल रहा है और हमारे पास गैस मौजूद नहीं है। और जैसी गैस आएगी हमारा गीज़र इलेक्ट्रिक से गैस पे ऑन हो जाएगा। ये ऑन करें गैस को, गैस गीज़र के अंदर इन करें, ये हमने गैस इन की है, गीज़र हमारा इलेक्ट्रिक से ऑटोमेटिकली गैस पर शिफ्ट हो चुका है। ये इसका हाइब्रिड मोड है। अब देखें, ये बर्नर जल रहा है, ये देखें, ये फ्लेम गीज़र का हमारा ऑन हो चुका है। लाइट बंद करें तो फ्लेम ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अब्दुलरहमान, लाइट ऑफ करें तो फ्लेम नज़र आएगा। ये देखिए, ये फ्लेम हमारा गीज़र का चल रहा है, ये हमारा गीज़र अभी गैस पे चल रहा है। और जैसे ही अभी हमारी जो है वो गैस बंद होगी तो गीज़र हमारा ऑटोमेटिकली लाइट ऑन। ये जैसे हमारी अब गैस हम बंद करेंगे तो गीज़र हमारा वापस जो है ना वो इलेक्ट्रिक पर ऑन हो गया। ये इसका हाइब्रिड मोड है। सिंपल इसका ऑपरेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जस्ट आपने टेम्परेचर को सेट करना है और मोड को सेलेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया, वीडियो को जो है वो आप